परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे हर हम वंदे वंदे सहजम सभी साधक साधिकाओं को जय जिने। आज हमारे साथ यूएसए से जानी मानी योगा ट्रेनर प्रियता जी बाजपेयी जुड़ी हुई है और हमें बैक पेन से कैसे रिलीफ मिले, कैसे आराम मिले, इसके बारे में कुछ प्रयोग कुछ बातें हमें बताएगी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साहला से निवेदन करता हूँ, कृपया प्रियता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साहला। यस, मोस्ट वेलकम प्रियता जी, अमेरिका की प्रियता जी का हम इंडियन सभी सहर्ष स्वागत करते हैं। जितने भी जुड़े हैं उन सबको निवेदन, वीडियो ऑन करें। नंबर वन, सबसे पहले एवरीवन प्रिया जी को स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे, चेहरे स्माइली है। यस यस यस, एक बार हाथ ऊपर करके सब ये मॉर्निंग है प्रियता जी, तो मोस्ट वेलकम। यस मनोज भैया, हाथ ऊपर चाहिए। नीरू दुग्गड़ जो भी जुड़े, हाथ ऊपर एक बार खींचो हाथ को। और वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम योगा कर रहे हैं। तो हम यूएसए की हमारी प्रियता को स्वागत करते हैं। सभी सम्मान करिए और वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम प्रियता जी, मोस्ट वेलकम। तो आइए प्रियता की बात सुनते हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत मजा आएगा। क्योंकि मेरी कल उनसे बात हुई और बात हुई तो ऐसे लगा हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, क्योंकि मैंने हेलो करते हुए उन्होंने बोला अलका जी बोल रहे हो, तो मुझे तो एकदम आश्चर्य लगा। और वो इसलिए उन्होंने कहा कि आनंद भाई, आपके वीडियो भेजते मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे आपसे एक बार बात करने अनुभव भी की। इतनी सहजता से अपनीयता से बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हम सालों से एक दूसरे को जानते, इतनी बातें की हमने। तो ऐसी ये जबलपुर की अभी कोलंबस में रहने वाली प्रियता, नाम भी देखिए सबके, प्रिय नाम सुने, प्रिया नाम सुने, पर इनका नाम भी अलग है प्रियता, तो इनके व्यवहार में भी प्रियता है। ऐसी हमारी प्रिया ये इंस्ट्रक्टर जबलपुर से बनी है और 2006 से 2009 तक वो जबलपुर से ही ये सब काम कर रही थी। और इंस्ट्रक्टर करके, योगा इंस्ट्रक्टर करके काम करना एक बात, और वो अलग अलग स्टाइल से लोगों को जोड़ना, अपने स्किल दिखाना और अलग अलग आसन पोजेस बताना, ये उनकी स्पेशलिटी है। और उसके साथ साथ वो पूरा एनवायरनमेंट भी स्टूडेंट्स को ऐसा कराती है कि जो इसकी आवश्यकता होती है। ये सब स्किल मैनेजमेंट में बहुत जरूरी होती है। और इनकी खासियत ये है कि वो पर्सनली खुद नियमित योगा ऐसे करते कि जैसे वो खुद फिट रहे, और खुद फिट रहने के बाद वो लोगों को ये फिट रहने के राज शेयर भी करते हैं, और ये शेयर करना भी बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए वो आज अपने बीच में है। एजुकेशन के दृष्टि से देखें तो इन्होंने बहुत सुंदर सब्जेक्ट में एमए किया है, वो मास्टर इन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, मेरा भी खुद का एमए इन साइकोसोशल है,
बीए साइको चाइल्ड स्पेशल है, तो साइकोलॉजी जानने वाले व्यक्ति ऐसे भी दूसरों की साइकोलॉजी बहुत सहज समझते हैं। और इसके साथ इन्होंने डिप्लोमा भी किया है, वो भी किस चीज का, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो काउंसलिंग करना और उसका डिप्लोमा करना, इनका नेचर भी काउंसलिंग का है और इन्होंने इसमें डिप्लोमा भी लिया है, तो बहुत ही मतलब ये बड़ी बात है कि इनके पास बहुत कुछ स्किल है। तो आज हम उसका फायदा लेने वाले, उसके पूर्व में ये बताऊंगी कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये अनेक जगह है अपना स्किल दिखा चुकी है और बहुत जगह जो चैंपियनशिप उन्होंने अपनी स्थापित की है, कब से मतलब देखिए इन्होंने भाग शुरू किया 1996 से उन्होंने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। मदुरई तमिलनाडु में उन्होंने 21st नेशनल योगा में भाग लिया था, उसके बाद तुरंत 26th नेशनल चैंपियनशिप के लिए उन्होंने पंजाब से भाग लिया था, 23rd चैंपियनशिप में उन्होंने 99 में भाग लिया था और ऐसे करते 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 28th नेशनल तक 2003 जबलपुर में वो पार्टिसिपेट होती रही और हर टाइम वो नंबर 21, फर्स्ट, 23rd रैंक तो लाते ही रहे और रैंक फर्स्ट आ गई। देखो कहां से कहां पहुंची है, 23rd उनका रैंकिंग था, तो वहां से कितनी प्रैक्टिस की होगी कि 2003 में 28th नेशनल्स में रैंक थर्ड आ गई थी, रैंक थर्ड। तो एक बार सभी हाथ ऊपर करके उनके लिए ओम अरहम करे, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन करे, सभी पार्टिसिपेशन उनके इतने अवार्ड्स का स्वागत करे। एक बार मुझे चाहिए सबके वीडियो ऑन और उसके साथ प्रियता जी के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, यस। प्रियता जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याण केंद्र, उसके साथ हमारे सारे उपस्थित भाई और बहनें आप सबका सहर्ष स्वागत करती है। सबकी प्रॉब्लम है पीठ का दर्द, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इतना अच्छा विषय आपने लिया है कि मुझे विश्वास नहीं, खात्री है कि आज सबको बहुत कुछ मिलेगा और ये प्रयोग केवल सुनने नहीं है, आज करवाएंगे भी, नियमित करेंगे, तो पीठ दर्द क्या, योगा से हर एक बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ बनेंगे, मस्त बनेंगे, हंसते हंसते जीने के लिए, हमारे पेन कम करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। मैं और प्रियता जी के दो प्यारे प्यारे बेटे हैं वहाँ 7 साल से वो लगभग अमेरिका में, और विशेष एक बात लास्ट में मैं बताऊंगी, मुझे भी वो समझ में नहीं आएगी, वो उनको ही पूछनी है, इसीलिए मैं लास्ट में गई। बचपन से इनको एक तो योगा का शौक, और बचपन से ही इनके माता ने बहुत उनको प्रेरित किया कि यार हॉलिडे कुछ ना कुछ सीखना है, तो उसमें शरीर पर ध्यान देने की चीजें सीखने के लिए वो योगा में गई और उसको लगा कि इसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उनको सिखाने वाले ट्रेनर ने भी देखा कि इनके बहुत सारे स्किल है और इन दोनों के सहयोग से आज एक एक्सपर्ट योगा ट्रेनर हमारे सामने है, पर वो मलखा में है, वो मेरे इतने समझ में नहीं आया कि ये क्षेत्र में से मलखाम में आप कैसे गए, और ये मलखाम रोप मलखाम आप क्या विशेषता है वो आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि मैं इतना समझ नहीं पाई इस पॉइंट को। तो ऐसे ये जो योगा का सागर है, महासागर है, इसमें से उन्होंने कुछ बूंदे हमारे लिए लाई है और हमारा जीवन स्वस्थ मस्त करने के लिए जो प्रिया जुड़ी है, सुस्वागतम सुस्वागतम एंड मोस्ट वेलकम प्रिया जी। थैंक यू सो मच अलका जी, सच अ नाइस वे टू इंट्रोड्यूस मी, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। और सबसे पहले तो मैं भरत गुप्ता सर का भी थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, एंड आनंद सर का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं अपने नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर कर सकूंगी, और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आज के सेशन से आप लोग कुछ सीख पाए, जिनको बैक पेन है उनका बैक पेन थोड़ा सा कम हो जाए, तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है वो है बैक पेन, राइट। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बैक पेन जो है वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, नॉट ओनली द ओल्डर पीपल बल्कि यंग पीपल भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इसके कारण जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं जिन्हें हम खुद कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि आपका रॉन्ग पोस्चर हो गया, या फिर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, या फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर आपको अर्थराइटिस या साइटिका, इस तरह की कोई डिसीज है तो भी आपको बैक पेन हो सकता है।
आज हम जानेंगे कि योग के द्वारा, आसनों के द्वारा और प्राणायाम से हम कैसे अपने दर्द को कम कर सकते हैं, कैसे अपनी बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करूंगी कि यदि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो आप सब मेरे साथ करें भी, तो आप ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ओमकार का उच्चारण, क्योंकि जैसे किसी भी, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी? आ रही है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे ओमकार। जैसे किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम भगवान का नाम लेके करते हैं, ऐसे ही यदि आप ओम योग की शुरुआत ओम के साथ करते हैं, ओमकार के साथ करते हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। ओमकार शुरू करने से पहले भी मैं आपको थोड़ा सा ओमकार के बारे में बता दूं कि इसके फायदे क्या होते हैं, ताकि जब आप ओमकार शुरू करें तो आपका फोकस बिल्कुल ओमकार पे होना चाहिए, अपने पोस्चर पे, ओमकार के वाइब्रेशन पे, सब चीजों पे होना चाहिए। ओमकार जब हम करते हैं, ओम चैंट हम जब करते हैं, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकलती है। देखिए, नकारात्मकता जो होती है हमें हमारे आसपास से ही आती है, राइट? यदि आप डेली ओमकार करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, और जब आप अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं तो आप अपनी एनर्जीज को अच्छी जगह चैनलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर सर में दर्द रहता है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा रहता है, उन लोगों को ओमकार जरूर करना चाहिए, उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके साथ ही ये हमारे अंदर भावनात्मक स्थिरता लाता है, जिसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ओमकार के बहुत फायदे हैं, और आप हमेशा घर पे ओमकार ऐसी चीज है कि आप हमेशा कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी आप शुरू हो जाए एक बार जरूर करें, आपको धीरे धीरे फायदे मिले। तो हम ओमकार से शुरुआत करेंगे। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, आप यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं दैट्स रियली गुड, यदि नहीं बैठ पा रहे हैं आप सुखासन में पालथी मार के बिल्कुल आराम से बैठिए। चिन मुद्रा में आपको हाथ रखने हैं, 3 times हम करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए ओमकार करना है। चलिए, आंखें आपकी बंद है, पहले हम डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी सांस भरें, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। पहले अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से मले, जब वो थोड़ा सी गर्म हो जाए आंखों पे रखिए और अपनी आंखों को खोलिए। जब हम अपने पाम्स को इस तरह से रब करते हैं तो एक हीट जनरेट होती है जो कि आपकी आंखों को सूदिंग करती है, आपकी आंखों को आराम मिलता है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। योग करने, आसन करने से पहले यदि आप वार्म अप करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आपके जॉइंट्स अच्छे से ओपन अप होते हैं। तो हम इस तरह से सीधे बैठेंगे, पैर आपके सीधे है, बैक सीधी है, बिल्कुल आराम से बैठिए। पैर के पंजे से आपको शुरुआत करनी है, अपने पैर के पंजों की उंगलियों को आप अच्छे से क्लोज करें, ओपन करें, जितना अच्छे से आप फैला सकते हैं बिल्कुल आराम से अच्छे से बंद करें, ताकत से खोलें। अब हम राइट पैर के पंजे को गोल घुमाएंगे, इस तरह से क्लॉक एंटी क्लॉक में घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंटी क्लॉक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे पैर पे आए, 1, 2, 3, 4, 5
6 anti clock 1 2 3 4 5 6 अभी दोनों पंजों को आप एक साथ रखिए, एक को आगे की तरफ और एक को पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। इस तरह से आप स्ट्रेच करिए। वाह, इसके बाद हम आते हैं हमारी नी के जॉइंट के लिए। आप अपने दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे इस तरह से लगाइए, सांस भरते हुए आपको पैर को इस तरह से अपने पास मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए आपको स्ट्रेट ओपन करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, गहरी सांस भरते हुए मोड़े और आपके टोस पॉइंटेड होने चाहिए, पंजे खींच के रखिए। वापस दूसरे पैर पे आए, बैक आपकी बिल्कुल सीधी है। 1 2 3 4 5 6 अब हम अपने थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाइंड करेंगे और हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे अपने पैर से। ये भी आपको क्लॉक एंटी क्लॉक में करना है। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 वापस दूसरे पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 वापस आइए। ये हमने नीज कंप्लीट करें, अब हम आएंगे हमारे थाई के जॉइंट के। आप अपने पैर को इस तरह से मोड़ के पकड़िए, आपका एक हाथ आपके पंजे के नीचे और एक हाथ आपके घुटने के नीचे और आपको इस तरह से सर्कल बनाना है। थाई का जॉइंट है, मैं आपको स्ट्रेट ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है और ऐसे गोल घुमाना। 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक 1 2 3 बहुत आराम से 4 5 6 वापस दूसरे पैर से। चलिए 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 वाह, ये हमारे पैर कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं हमारे स्टमक पे। आपको नौका संचालन करना, सांस लेते हुए हाथ ऊपर है, सांस छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। लेकिन यदि आपकी बैक में बहुत दर्द है तो आप बहुत ज्यादा आगे मत झुकेगा, ठीक है? बाकी सभी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आए 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक भी करना है 1 2 3 4 5 6 वापस। ये हमने हमारे स्टमक के लिए किया। अब आप आराम से इस तरह से बैठिए, अपने हाथों पे हम आएंगे, मुट्ठियों को बंद करें, खोलें, अच्छे से उंगलियों को फैलाएं। चलिए कलाइयां गोल घुमानी है 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 हथेलियों को इस तरह ऊपर करें और नीचे। सांस लेते हुए हाथों को थोड़ा ताकत से आप इस तरह मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ओपन करेंगे। 2 3 4 5 6
अब हम आते हैं हमारी शोल्डर्स पे. आप इन्हें इस तरह से गोल घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वापस. ये हमारे हैंड्स कंप्लीट हुए. अब हम आएंगे हमारे हेड को. इसमें आपको 6 टाइम बिल्कुल नहीं करना है, आंखें बंद करके सिर्फ आपको 2 टाइम्स करना है. 2 बार आपको अपने हेड को राइट साइड और लेफ्ट साइड घुमाना है बहुत आराम से. देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से. आप जितना पीछे साइड में अप स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे, ये 1 राउंड हुआ. नाउ द सेकेंड 1 स्टार्ट करेंगे. दूसरे तरफ से सेकेंड राउंड, बस. अब ये सारे आपके जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो गई है, आपके जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं और आप आसन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. बैक पेन के लिए आसन कर रहे हैं, इसीलिए बहुत आराम से आप अपने स्टमक के बल पे इस तरह से लेट जाइए. सबसे पहले हम करेंगे शलभासन. शलभासन करने के लिए आप अपने दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे इस तरह से रखेंगे, चिन आपकी फ्लोर पे है, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए आप अपने राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं बिना तकलीफ के. टोस पंजे आपके पॉइंटेड हैं, खिंचे हुए हैं, घुटने आपके सीधे हैं. सांस छोड़ते हुए वापस आए. नाउ द दूसरे पैर से करना है, गहरी सांस भरें, उठाएं पैर को ऊपर. वापस बहुत आराम से करना है बिना स्ट्रेन के. 1 मोर टाइम, राइट अप करें. वापस आए. नाउ द लेफ्ट अप. वापस आ जाए. रिलैक्स. आप इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट आसन इज भुजंगासन. भुजंगासन के लिए आप अपनी हथेलियों को प्लेस करेंगे जस्ट राइट अंडर योर शोल्डर, यानी आपके शोल्डर्स के नीचे, बिसाइड योर चेस्ट, चेस्ट के बगल में. गहरी सांस भरते हुए आपको सिर्फ अपनी अपर बॉडी ऊपर उठानी है. एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आए. वापस आ जाओ. रिलैक्स. नाउ द थर्ड आसन इज धनुरासन. धनुरासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से नीज को बैंड कीजिए, अपने हाथों से आप अपने एंकल्स को पकड़िए,
गहरी सांस भरते हुए आपको अपनी पूरी बॉडी अप करनी है। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, वन मोर टाइम। वापस पैरों को छोड़िए, थोड़ी देर आप रिलैक्स करें। देखिए ये बैक पेन के लिए आसन है, जितना आप आराम से कर सकते हैं बिना तकलीफ दिए अपने आप को। मैं आपको इसके सिर्फ दो राउंड्स करा रही हूँ, आप चाहें तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से राउंड्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है पेन को बढ़ाना नहीं है, पेन को कम करना है। तो अपने शरीर के हिसाब से जितना मैं ऊपर तक उठा रही हूँ, इतना आपका नहीं उठता है आप बिल्कुल ना करें, आराम से करें। और चाहें तो हर आसन के बाद भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए आपको इस तरह से अपनी एल्बोस को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखें और दोनों पाम्स को इस तरह से मिलाइए और अपने फेस को सिर्फ प्लेस करिए। आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स करें, ये सबसे अच्छा आसन है, मेरा तो फेवरेट ही है, क्योंकि इस आसन में आपको किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और आप लंबे समय तक रुक सकते हैं और आपको ये बहुत फायदा देता है। चलो वापस आ जाएं, धीरे से आप अपने राइट या लेफ्ट से जिस तरह से आपको करवट लें, टर्न करके आप अपने बैक पे आ जाइए और शवासन कीजिए। अब हम जो आसन करने वाले हैं वो है एक पाद उत्तानासन। एक पाद उत्तानासन करने के लिए आप हथेलियां इस तरह से फ्लोर पे प्लेस कीजिए, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए आप अपने राइट पैर को सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे। गर्दन आपकी सीधी है, घुटने आपके बिल्कुल सीधे हैं और आप बिल्कुल धीरे धीरे 90 डिग्री उठाएं, टोस आपके पॉइंटेड हैं और रोकिए। एक्सेल करते हुए बहुत आराम से नीचे आए। इनहेल करते हुए लेफ्ट अप करें। वापस आए, जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाइएगा, अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। वन मोर टाइम। बहुत आराम से वापस। नेक्स्ट पैर लेफ्ट अप करें। वापस रिलैक्स। अब हम जो आसन करने वाले हैं वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए भी आपको अपने पैर को इस तरह से 90 डिग्री उठाना है। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने पैर को इस तरह से भी उठा सकते हैं, आपको अपने पैर इस तरह से मोड़ कर अपने पेट के पास में लाना है। दोनों हाथों से आपको अपने पैर को थोड़ा स्क्वीज करना है अपने पेट के पास, लेकिन हेड अप नहीं करना है,
पवन मुक्त आसन जब भी किया जाता है हेड अप होता है, लेकिन हम बैक पेन के लिए कर रहे हैं, आपको सर बिल्कुल नहीं उठाना है। टोज को पॉइंट, पंजे आपके नीचे की तरफ खींचे हुए हैं, रोकिए। नाउ रिलैक्स, वापस आए। दूसरे पैर से करेंगे। वापस आए। फिर से राइट से। वापस रिलैक्स। Now the left pair say. Bounce. अब हम दोनों पैरों से एक साथ करें। दोनों पैरों को आप इस तरह से लाइए, यदि आप 90 डिग्री नहीं उठा सकते हैं, पैरों को मोड़ें, अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ें, पंजे खींच के रखिए, हेड आपको अप नहीं करना है, आप नॉर्मल ब्रीद रखिए। वापस रिलैक्स। वन मोर टाइम। Relax, DJ. अब हम करेंगे कटी चक्रासन, या इसे सेतु बंद भी कहा जाता है। आप दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, आपको अपने हाथों से अपने एड़ियों के पास, आप यदि पकड़ सकते हैं तो अपनी एड़ियां पकड़ें, अदरवाइज आप अपने हाथ को फ्लोर पे रख सकते हैं। हेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए आपको अपनी कमर वाले पोर्शन को ऊपर उठाना है, शोल्डर्स आपके जमीन पे रहेंगे, हिप भी आपके अप हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा गर्दन बिल्कुल सीधी है, जितनी देर आप रुक सकते हैं आप रुकिए। एक्सहेल करते हुए वापस, बहुत आराम से। यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो आप अपनी कमर के नीचे कुशन लगा के, आप पिलो लगा के भी कर सकते हैं, आपको बैक पेन में बहुत फायदा होगा। फिर से एक बार गहरी सांस भरें, धीरे धीरे आराम से अपनी कमर ऊपर उठाएं, कुछ देर वहां पर रुकें। रिलैक्स। पैरों को सीधा कीजिए। अब हम करेंगे मरकट। इसके राउंड्स बढ़ा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, बिल्कुल स्ट्रेच, अननेसेसरी का स्ट्रेंथ ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी का पैर यहां तक उठ रहा है तो मुझे भी खींच कर वहां तक उठाना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना कर सकते हैं आप केवल उतना करें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। ये भी बैक पेन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते आप पालथी माटी करिए, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो आज हम जो प्राणायाम करने वाले हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेज।
जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम ये एक है, तो मैं आपको बताती हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम द बेस्ट प्राणायाम होता है क्योंकि ये आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है, कहना चाहिए आपके नर्व्स को प्यूरिफाई करता है, जितना भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट होता है उसे रिलीज करने में मदद करता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम की जब हम डीपर स्टेज में जाते हैं तो वो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हार्ट पेशेंट या अस्थमेटिक होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें ब्रीथ को कंट्रोल करना पड़ता है, होल्ड करके कुंभक लगाना होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम द बेस्ट होता है बिकॉज वो सबके लिए कॉमन है, सरल है, सहज है, आराम से हर कोई कर सकता है, तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। लेकिन सेकेंड स्टेज में आप जितनी गति में सांस लेंगे उसके डबल में छोड़ेंगे, काउंटिंग यदि आप 4 में सांस लेते हैं 8 में आप सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कीजिए थर्ड फिंगर एंड थंब से, लेफ्ट नॉस्ट्रल आपका बंद है। राइट से टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन। बहुत आराम से कीजिए डीप ब्रीथ। राइट आउट, राइट इन। Left out, left in, right out. Right in, left out, left in. Right out, right in, left out, left in. Right out. हाथों को नीचे ले आइए, आंखें आपकी बंद है, आप रिलैक्स करें। प्रिया जी इसके बाद क्वेश्चन आंसर रखे थोड़े, हाँ जी बिल्कुल, 5 मिनट ही बाकी इसीलिए। हाँ हाँ श्योर श्योर, बस ये लास्ट ही था मेरा, हो गया। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारियां भी मिली होंगी। बहुत सुंदर कराया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी को नम्र निवेदन है कि कोई भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो वो अपने आप को
अनम्यूट कीजिए अलका जी, आप म्यूट हो गई है। ओके, सबको आनंद भाई जी ने ऑप्शन दिया है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछ सकते हैं, कुछ बात करनी है प्रिया जी से, कुछ भी पूछना है तो बी फ्रैंक एंड आस्क टू एनीवन, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग, मोस्ट वेलकम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक एक करके आपकी बात हो जाए तो वापस म्यूट हो जाए। मनोज जी गांधी, अनम्यूट किया है आपने, बोलिए। हाँ बोलिए मनोज जी, सर जिज्ञासा हो तो पूछिए। मैडम ने बहुत अच्छे तरह से प्रयोग लिए और अच्छा लगा और रिलैक्स हो गए एकदम। और जरा जब बैक पेन में थोड़ा प्रॉब्लम, उसके लिए क्या कर सकते थोड़ा? एक साइड में। हेलो हेलो, हाँ सुना है उन्होंने, बता रहे एक साइड में थोड़ा बैक पेन। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रियता जी। हेलो हेलो, आ रही आ रही, आपकी आवाज आ रही है प्रीता जी। हाँ हेलो प्रीता जी, आप अभी तक म्यूट है। आ रही है, अभी आवाज आ रही है जी? आ रही है। हेलो वही आपको एक साइड पेन हो रहा है, राइट आप कह रहे हैं? हेलो एक्चुअली राइट साइड लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, लेफ्ट आपको पेन हो रहा है? कब से हो रहा है आनंद सर? यदि आपको क्लियर सुनाई दे गया है कि इनका क्वेश्चन क्या है, उनको एक साइड पेन हो रहा है, एक साइड पेन हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ अभी साइड में। एक तरफ यदि आपको पेन हो रहा है, मैं आपको एक आसन करके दिखाती हूँ जो आपको क्विक आराम देगा, और ये है मत्स्य पीड़ासन। इसे करने का तरीका है, आप इस तरह से लेटेंगे, आप अपने पैर को बैंड कीजिए, आपका नी और आपकी एल्बो आप इस तरह से रिलैक्स कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक मैंने करके दिखाया, ये आप दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। ओके द नेक्स्ट वन, इफ एनीवन आस्क समथिंग, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो श्योर मैं हूँ आप लोगों के पास। हाँ जी, ओम का प्राणायाम कितने प्रकार से होता है? सॉरी व्हाट? ओम का प्राणायाम कितने प्रकार से होता है और कितना लंबा करना चाहिए? उद्गीत प्राणायाम, मुझे क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। ओम अरहम का प्राणायाम कितनी देर से और कितने स्वर में किया? एक चैंटिंग है, आप अपने टाइप को निकाल के 10 times 5 एटलीस्ट 3 times से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो चैंट है, आप कर सकते हैं चैंटिंग, वो एक जाप है ओमकार। तो आप अपना टाइम निकाल के, यदि आप तो मेडिटेशन करते समय आप थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठिए और आप आराम से कर सकते हैं, 3, 4, 10 times तक आप कर सकते हैं, पर फोकस करके जितना लंबा आप बोलेंगे उसके वाइब्रेशंस आपकी पूरी बॉडी में जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है ओमकार? हाँ, आर यू आस्किंग अबाउट ओमकार? यस, उनका कहना है कितने प्रकार, शॉर्ट या लंबा? लंबा, जितना आप लंबा कर सकते हैं। आप ब्रीथ करने के बाद सांस लेते हुए पहले सांस भरिए, जब आप छोड़ेंगे तब आप ओमकार करिए, तो आप जितना लंबा करेंगे वो उतना अच्छा होगा। जय जी नंद, जय जी नंद। मुझे पूछना था कि एक कंधे का जो दर्द है, इसमें इसका आराम मिलेगा क्या? ये जो कंधे का, साइड का दर्द होता है,
जो मैंने आपको स्टार्ट में, हाँ मुझे आवाज आई, मुझे आपका क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आपको साइड में पेन है राइट, आपने ये बोला। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए थे, जो आपको मैंने सूक्ष्म व्यायाम बताए थे, आप उसे रोज करेंगे और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जितना ज्यादा कर सकते हैं। कई बार गैस जो बात होती है कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स में स्टक हो जाती है, वो भी हमारी एक प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो जितनी ज्यादा बार कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम डेली करें, तो वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा, आपके सारे जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, सारा पेन चला जाएगा। मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम जो होता है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम की ही एक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कि हम नॉर्मल ब्रीद लेते हैं और नॉर्मली छोड़ते हैं। सेकेंड स्टेज में हम जितनी मात्रा में ब्रीद लेते हैं जिस काउंटिंग पे, उसकी डबल काउंटिंग में छोड़ते हैं। तो आप ये सेकेंड स्टेज जो है कि आप चार बार में ब्रीद लीजिए, 1 2 3 4, एंड जब आप छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की काउंटिंग में छोड़िए। ये आपको बहुत फायदा करेगा यदि आप करें तो। ये नाड़ी शोधन की सेकेंड स्टेज है जी। नेक्स्ट, और किसी की कोई जिज्ञासा हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रिया जी, आज जो आपने रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कौन सा जो इजी एक्सरसाइज है वो क्या है? मैंने आपको शलभासन बताया, आपने देखा होगा, पेट के बल पे लेटना है, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रखना है, जितना आराम से आप उठा सकते हैं आप वो कर सकते हैं। बहुत आप उसके राउंड्स को बढ़ा भी सकते हैं, पर अपने दर्द के हिसाब से। आपको बहुत तकलीफ हो तो आप पैर को बहुत ऊपर ना उठाएं, लेकिन आप उसको करेंगे तो आपको फायदा डेफिनेटली होगा। और ये हिप जॉइंट में भी पेन रहता है तो? हाँ हाँ, तो आपको मैंने पूरा मकर आसन जो है वो देखिए सबसे इजी है, दिखने में वो इजी है लेकिन उसके फायदे बहुत होते हैं। आप मकर आसन करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप धनुरासन कर सकते हैं, धनुरासन जो होता है वो आपके लेगामेंट्स को, आपकी मसल्स को, आपके वेन को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जो कि बहुत काम आता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मे भी आप अगर कर सकते हैं तो धनुरासन भी आप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। सरिता जी, आप गुवाहाटी से है ना? हाँ, गुवाहाटी से जी। गुवाहाटी आसाम से जुड़ी हुई है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही बढ़िया। ये चार आसन, ये जो आसन बताए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है पीठ के बल पे। मुझे लगता है पीठ का दर्द हो या न हो, सबको ये रोज करनी ही चाहिए, इसको मैंडेटरी बोलना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा आगे झुकते हैं, इसके कारण जो हमारी पोजीशन है वो सही नहीं होती है। परंतु हम अपोजिट करेंगे उल्टे झुकने के, तीन चार जो जितने भी पेट के बल पे आसन बताए वो बहुत आवश्यक है, और ये रोज ही करने चाहिए सबको। तो इसमें जिनको बैक पेन नहीं उनको आएगा भी नहीं है अगर नियमित करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया, बहुत सिंपल वे, नाइसली। ये सानन भाई जी, समापन की ओर। हाँ अलका जी, मैं नेट प्रॉब्लम के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सारे आसन नहीं देख पाए, मैं मैंने स्टार्टिंग का देखा और एंडिंग के देखे, बहुत बढ़िया कराए। बैक पीछे झुकने वाले जो आसन पेट के बल करते हैं वो बहुत फायदेमंद है, तो इसमें कैट पोज मार्जरा आसन भी किया जा सकता है क्या बैक पेन के लिए? बताया क्या? मैंने इसीलिए देख नहीं पाया। मार्जरा आसन बहुत बढ़िया है, उष्ट्रासन वो भी करवाया। हाँ जी, ठीक है। मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं बीच में। चलिए, सभी प्रार्थना के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें, जिन्होंने भी ऑफ किए जा रहे हो एक बार वीडियो ऑन करें,
दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र यानी हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, प्रसन्नता आनंद के अनुभूति के साथ अपने साथ पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए विश्व प्रार्थना के लिए तैयार। एक एक मेरे पीछे बोल सकते हैं, सर्वेशा स्वस्तिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशा शान्तिर्भवतु। सर्वेषा मङ्गलं भवतु। सर्वेषा पूर्णं भवतु। विश्व शांति के लिए खुद में शांति होना और अपना कल्याण होना बहुत आवश्यक है, और हम अपने आप को भावित करें इस प्रार्थना के लिए। आनंद भाई जी दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखें बंद मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम प्रियता जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारा इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आज का मैंने मिस कर दिया क्लास। चलिए जय जिनेंद्र। प्रीता जी, हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और भी हम आपको बुलाएंगे, बीच बीच में आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़िएगा और हमारा मार्गदर्शन करिएगा। ओम अरहम। थैंक यू सो मच सर, माय अपॉर्चुनिटी, आप मुझे इस तरह से बुलाएं, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू एवरीवन, जिस सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी थैंक यू। बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम।